अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं शान गोबिल और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। ये अदालत है ना, ये रिश्तों और जज्बातों से नहीं चलती। अदालत चलती है सबूतों से, अदालत चलती है गवाहों से, जिन्हें पिछली अदालत की 10 तारीखों से भी तुम पेश नहीं कर सके हो, तो अब क्या करोगे? जीजाजी से आप यहाँ मारेंगे तो वहां चौक में इसकी मूर्ति बन जाएगी, लोग पूजा करेंगे इसकी। इसे ले जाकर मारिए उनके बीच जिनका मसीहा बना है ये, ताकि आपकी दहशत उनके दिल में पहले जैसी बनी रहे। दोस्तों, आज इस एक्टर की बात मैं करने वाला हूँ, वो एक कैरेक्टर एक्टर है। वो चाहे फिल्मों में बड़े रोल करे या छोटे, अपनी छाप फिल्मों में छोड़ जाते हैं, और वो हैं द वेरी वर्सेटाइल हरीश पटेल। मेरा नाम है इबू हटेला, माँ मेरी चुड़ैल की बेटी, बाप मेरा शैतान का चेला। हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाने से ये कैद बेहतर है। उस छोकरे के सर पे खून सवार है, वो हम में से किसी को भी अटका सकता है। जब तक बड़े साले जी उसका क्रियाक्रम नहीं कर देते, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जाने की इजाजत नहीं दे सकता। 5 जुलाई 1953 में पैदा हुए थे हरीश जी मुंबई में एक गुजराती परिवार में। उनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन उन्हें एक्टिंग करने का शौक बचपन से था। वो छोटी सी उम्र में अपने स्कूल के प्लेज में हिस्सा लिया करते थे और अलग अलग किरदार निभाया करते थे। अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद हरीश जी ने सोचा कि अब फिल्मों में ट्राई करना चाहिए। चुनांचे उन्होंने फिल्मों के लिए स्ट्रगल शुरू कर दी। बहुत स्ट्रगल की और बहुत जद्दोजहद के बाद उन्हें अपनी पहली हिंदी फिल्म मिली। फिल्म का नाम था मंडी, जो आई थी 1983 में, जिसके डायरेक्टर थे श्याम बेनेगल साहब। क्या भाई, उसका तो पैर भारी है। भाई, भाई जिनत को कितना दिन तक सहेज कर रखोगे? वो समझने का जोर अपने छोटे से जैन को नको। जा। मंडी एक आर्ट फिल्म थी और हरीश जी को मंजे हुए एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला, और वो एक्टर्स थे नसीरुद्दीन शाह, स्मिता पाटिल, शवाना आजमी, अमरीश पुरी और ओम पुरी। हरीश जी इस फिल्म के बाद नोटिस हुए और उन्होंने कुछ फिल्में और साइन कर ली, जैसे डकैत और मिस्टर इंडिया। और मिस्टर इंडिया में उनका एक डायलॉग बहुत हिट हुआ था, गई भैंस पानी में। नो, गई भैंस पानी में, आ गए फिर आ गए। अरे तुम लोग तो उधार खा खा कर मेरी दुकान साफ कर दोगे, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा इस तरह। अजी, बर्बाद हो तुम्हारे दुश्मन। लो, गई भैंस पानी में। मिस्टर इंडिया हिट हो गई और लोगों को हरीश जी का काम बहुत पसंद आया, खास तौर पे उनकी टाइमिंग। और इसके बाद हरीश जी ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और बड़ी बड़ी फिल्मों में बेहतरीन किरदार निभाए। और वो फिल्में थी पुलिस पब्लिक, थानेदार, प्रतिबंध और मैंने प्यार किया। 2000 एक महीने में? मिस्टर प्रेम, ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ सिर्फ लकड़ियों का और पत्थर का काम होता है, और फिर ये टूरिस्ट सीजन भी नहीं है। अरे तुम तो पढ़े लिखे हो, शहर जाकर क्यों नहीं कमा लेते? नहीं रहीम साहब, मुझे यही कमाना है। हरीश जी एक जबरदस्त एक्टर थे, लेकिन चूजी बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने ये नहीं देखा कि रोल छोटा है या बड़ा है, बस काम करते रहे और कई फिल्मों में बेहतरीन काम किया। और वो फिल्में थी बोल राधा बोल, पना, मोहरा और अंदाज अपना अपना को कौन भूल सकता है। बोलो, नहीं सुनते रहो, सोते समय आवाज तो नहीं करते हो ना? नहीं नहीं, पास में ही कब्रिस्तान है, वहां से कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। नहीं नहीं, रात को 1-2 के बीच नहाने का पानी आता है, नहा लेना। रात को 1-2 के? बोलो, नहीं सुनते रहो, अंदर जो पंखा है ना उसे छेड़ना नहीं, कभी भी गिर सकता है। और सूरज ढलने के बाद बत्ती नहीं जलाना इधर। हरीश जी फिल्मों में तो काम कर रहे थे, लेकिन वो अपना काम बॉलीवुड तक महदूद नहीं रखना चाहते थे। ही वॉन्टेड टू एक्सप्लोर मोर होराइजन्स। उन्होंने 1994 में एक अमेरिकन सीरीज में काम किया था और उस सीरीज का नाम था 4 Weddings and a Funeral। इसके बाद उन्होंने कई और सीरीज में भी काम किया और साथ ही साथ ब्रिटिश फिल्मों में भी बेहतरीन काम किया। और हम आपको बताएं कि 2007 में मशहूर एक्टर डेविड श्विमर, यानी मशहूर अमेरिकन सीरीज फ्रेंड्स के रॉस की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म में काम किया। फिल्म का नाम था रन फैट बॉय रन,
हरीश जी कहते हैं कि इस फिल्म में डेविड श्विमर जी के साथ काम करके मुझे बहुत मजा आया और बहुत कुछ सीखने को मिला। A little screwed up here in the head. Okay. But Maya was right about you. You are no good. Look, always running away, never running in the right direction. I bought you new running shoes, Dennis. The man said they were the best you can buy. दोस्तों हरीश जी हॉलीवुड में भी छा गए थे और इस फिल्म के बाद उन्होंने कुछ और फिल्मों में भी काम किया, लेकिन उनकी खुशी की इंतहा नहीं रही कि उन्हें एक मार्वल फिल्म में काम करने का मौका मिला, यानी एमसीयू की फिल्म। एमसीयू यानी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। और इस फिल्म में हरीश जी का एक बहुत अच्छा रोल था, करुण पटेल का, और फिल्म का नाम था इटर्नल्स। दोस्तों ये बताना बहुत जरूरी है कि जब हरीश जी हॉलीवुड में काम कर रहे थे तो साथ ही साथ वो इंडिया में थिएटर फिल्में और टीवी सीरियल्स भी कर रहे थे, और वो सीरियल्स थे भारत एक खोज, मालगुड़ी डेज, वागले की दुनिया और भी कई और। दोस्तों अपने करियर के दौरान ही हरीश जी ने शादी कर ली थी, उनकी बीवी का नाम है उपमा पटेल और उनके दो बच्चे हैं। दोस्तों आजकल हरीश जी इंग्लैंड, हॉलीवुड और इंडिया के बीच शफल करते हैं। हरीश जी को अपनी किस्मत पे बहुत नाज है। वो कहते हैं ऊपर वाले ने मुझे सब कुछ दिया, एक बहुत अच्छा परिवार और एक बहुत अच्छा करियर भी। दोस्तों इस पे मुझे एक शेर याद आ गया, सुनिए। किस्मत अपनी अपनी है, किसको क्या सौगात मिले। किस्मत अपनी अपनी है, किसको क्या सौगात मिले। किसी को खाली सीप मिले, किसी को मोती साथ मिले। तो दोस्तों ऐसी बातें भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आप बस देखते रहिए तबसुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।